इसका तो अर्थ ही बदल जाएगा। मैं चाह रहा हूं तत्पुरुष समास का अर्थ इंद्र का शासन करने वाला है, इंद्र का शत्रु, इंद्र से शत्रु, परंतु यहां पर अर्थ हो रहा है इस तरह से भी अन्वय हो सकता है, विग्रह हो सकता है कि इंद्र शत्रु यस्य सो, ये भौपरी का अर्थ भी हो सकता है। और आद्यदात्त होने पर तो भौपरी का अर्थ निकलेगा, आद्यदात्त होने पर जो तत्पुरुष समास है उसका अर्थ निकलेगा नहीं। सो इन्होंने अपने फिर पाठ को परिवर्तित किया और फिर अंत्योदात्त शब्द का प्रयोग किया, शत्रु शब्द को उदात्त बोला। पर एक बार जो बोल गए महाशय जी सो बोल गए, अब होता क्या, पहले जो निकल गया सो निकल गया। ये दुष्ट शब्द स्वर को वर्णित हुआ मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थ माह सवाग वज्र है जयमान हिनस्ती यथेन्द्र शत्रु स्वर को पर आधार। इनको जो उदात्त उच्चारण किया अंत, पहला जो उदात्त उच्चारण हो गया उसके कारण इंद्र ही मरेगा ऐसा एक असुर उत्पन्न हुआ, श्री श्री वृत्रासुर वे प्रकट हुए, श्रीमद वृत्रासुर उनका जन्म हुआ है। सब घबरा गए, वृत्रासुर के भय के कारण सब भागने लगे। इंद्र ने अपनी सेना को भागते हुए जब देखा वृत्रासुर के ऊपर एक गदा मारी, इन्होंने उस गदा को ही इंद्र के ऊपर मारा है, वो गदा इंद्र के सिर के ऊपर छाती पर लगी, हाथी पर लग गई है, हाथी तो बैठ गया। मन में विचार आया एक गदा और मार दूं इंद्र का हो जाएगा ढेर, फिर विचार किया नहीं नहीं शत्रु इस समय सावधान नहीं है। इंद्र ने अमृत से भीगा हुआ हाथ हाथी के ऊपर रखा, हाथी का कष्ट दूर हो गया है, हाथी जागा। इन्होंने त्रिशूल हाथ में लिया और त्रिशूल हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि दृष्टिया भवान में समवस्थितो रिपु, बोले अरे इंद्र बड़े मंगल की बात है, आज मेरा शत्रु तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर कह रहे हैं इंद्र मैं कह तो रहा हूं कि मैं तुझे मारूंगा, परंतु ये युद्धभूमि है, तेरा अस्त्र ही मेरे लग गया तो कैसी होगी। अरे इंद्र मुझे मार, तेरा रक्षक मेरा आराध्य तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए आ रहा है, जहां हरि वहां विजय, जहां हरि वहां श्री, जहां हरि वहां ही संपूर्ण संपत्ति वो विराजमान है। अरे इंद्र यतो हरिर विजयश्री गुणास्तता, जरा अपने हाथी को सरका ले, मैं मरते समय अपने प्रभु से दो बात तो कर लूं, उनके चरणों में प्रार्थना तो कर लूं। ऐसा विचार करके इंद्र ने सुन करके अपने हाथी को सरका लिया। श्री वृत्रासुर उस समय चार श्लोकों में श्री प्रभु की स्तुति करने लगे, बहुत दिव्य श्लोक। इन श्लोकों का ही वर्णन करके श्री महाराज जी के वचनावल हम श्रवण करेंगे, यहाँ पर ही विषय को फिर विश्राम प्रदान करेंगे। चार श्लोक वृत्त श्लोक है। श्री वृत्रासुर धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी रूपों में श्री प्रभु को ही मानते हैं, सो कह रहे हैं कि अहम हरे तव पादैक मूल दासान दासो भवितास्म भूयः मनस्मरेत आश्वतेर गुणान्ते गृहीत वा कर्म करोत काया। हे हरि मैं आपके चरणारविंद के दासों के दासों का अनुदास बनना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर कब कृपा करोगे। मनस्मरे आश्वते गुणांते, हे मेरे प्राणों के परमपति आपके गुणों का ही मैं गायन करते हुए विराजमान हूं, मेरा ये वाणी आपकी ही सेवा करते हुए विराजमान हूं। क्यों जी तुम दास क्यों नहीं बनते हो, दासान दास क्यों बनना चाहते हो। बोले मेरे दास बनने में कहीं अभिमान आ सकता है, परंतु दासान दास बनने में
अभिमान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए दासान दास बनना चाहता है। दास बनने में कृष्ण के माधुर्य का उतना सा अनुभव जितना सा हमें प्रीति है, और हमें प्रीति कितनी सी होगी, कितना सा हमारा साधन, कितनी सी प्रीति। परंतु दासान दास बनने पर श्री गुरुजनों का जो महान अनुभव है वो सब हमको दाय भाग के रूप में सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास बनने में सुख नहीं है, दासान दास बनने में ही सुख है। तो दासान दास को भक्तदास में हुई है, दासों का दास बनना चाहता। भगवान बोले कि ठीक है, तो भक्त का जीव का मुख्य धर्म दासत्व है, दासत्व की तू स्थापना कर रहा है, परंतु दास बनकर के कुछ चाहता होगा, क्या चाहता है? श्रीवृत्त बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। बोले महाराज मुझे ध्रुव पद नहीं चाहिए, नाक पृष्ठ कोई नीचे आ जा, ब्रह्मा जी का पद ले ले, बोले न च पारमेष्ठम ब्रह्मा का पद भी नीचे ही है, बोले और नीचे आ जा पृथ्वी का राज्य ले ले, बोले न सार्वभौमम बोले और नीचे चला जा, जैसे मैंने स्वतल लोक बल राजा को दिया ऐसे तुझे भी रसाधिपत्य दे दूं। बोले नहीं नहीं महाराज मुझे रसाधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे नीचे का सुख भी नहीं चाहिए। बोले योग सिद्धि मोक्ष को ले ले, बोले न योग सिद्धियां चाहिए अनुमादि न मोक्ष चाहिए, समंजसत्वाद रही कांखे हे निखिल सौभाग्य के निधि सर्व समंजस स्वरूप। सारे शास्त्र जहां पर जिनको परतत्व रूप में निरूपण करते हैं, ऐसे मैं तो आपके चरणारविंद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। कह तो रहा है कि अर्थ रूप में मुझे ही चाह रहा है, पर जब पता तो लगे कि मुझे किस रूप में चाहता है। श्रीवृत्र तीसरे श्लोक में अपनी अभिलाषा को प्रकट करते हुए बोले कि अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा प्रियार्थ कृतार्था प्रियम प्रेम विषदम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष हे कमल दंडोचन, मेरा मन आपको ही देखना चाहता है। अरविंदाक्ष कहकर के ये दिखलाया कि भोरा जैसे कमल के रस को ग्रहण करता है, इस प्रकार मैं आपको ग्रहण करूं। परंतु भोरे के रस में कहीं नियत कालत्व तो नहीं है और नियत स्थानत्व तो नहीं, न काल है न स्थान। भोरा को कमल दिख रहा है इसलिए कमल का रस ले रहा है, कमल नहीं हो तो वो किसी भी चीज का रस लेने लगे, इसलिए उसमें अनन्यता का अभाव है, इससे संतोष नहीं हुआ। मनोरविंदाक्ष अरविंदाक्ष कहने पर संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि भोरे में अनन्यता नहीं है, अनन्यता का अभाव भोरे में प्राप्त हुआ। तो नियत धर्मत्व भोरे में नहीं है, चंचलता है। इसलिए भौरे के दृष्टांत को निषेध करते हुए बोले कि अजात पक्षा एवं मातरम खगा, कि जैसे एक चिड़िया के बच्चे की अपनी मां में ही आसक्ति है, ऐसे मेरी तुम में आसक्ति है। भौरे की एक कमल में आसक्ति नहीं है, उसमें चंचलता विराजमान है, परंतु चिड़िया के बच्चे की अपनी मां में ही एकमात्र आसक्ति है, इसलिए मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं। परंतु उसमें नियत कालत्व तो नहीं है, अर्थात जब तक चिड़िया के उस बच्चे के पंख नहीं उगे हैं तब तक तो वो मैया को चाहेगा, परंतु जब पंख उगे आएंगे तो वो मैया को छोड़कर के भी कहीं अपने स्वतंत्र अपने चूहे को चुभने के लिए वो चला जाएगा, इसलिए संतोष नहीं हुआ। वो मां से प्रीति कर रहा है
क्योंकि उसके पास में अभी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य आने पर फिर वो माँ से प्रीति नहीं करेगा, और उसे भय है भाई की निवृत्ति हो जाएगी तब भी माँ से प्रीति नहीं करेगा। बोले मारे इस दृष्टांत को जानने दो, मैं भय के कारण या लोभ के कारण आपसे प्रीति नहीं कर रहा हूं। अब दूसरा दृष्टांत सुनो, दूसरा दृष्टांत है कि स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, वहां पर चूगा अलग वस्तु थी, चिड़िया अलग वस्तु थी, परंतु एक बछड़ा जैसे अपनी माँ से प्रीति करता है, गाय से प्रीति कर रहा है, वहां पर गाय का वात्सल्य ही दूध रूप में परिणत हो रहा है, इसलिए मैं आपकी साक्षात कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं। ये दूसरा दृष्टांत दिया, इसमें भय भी नहीं है और माँ से स्वाभाविक बछड़े की प्रीति है, इसका निरूपण किया। भगवान बोले पहले दृष्टांत की अपेक्षा ये दृष्टांत ठीक है, परंतु इसमें भी एक कमी है कि ये जो प्रीति है इसमें स्थिरता नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है। जब तक वो बछड़ा छोटा है तब तक कर रहा है, इसके बाद में वो बछड़ा कहीं अपनी माँ से प्रीति नहीं करेगा, तो इसलिए अस्थिरता विराजमान है। तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियव विषतम विषन्ना, जहां पर पूर्ण स्थिरता विराजमान है।